अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये हम मरात करिए में हैं, जो कि रियाज से 170 किलोमीटर के फासले पे है, जहाँ पे ये बीर अल वलीदी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुआं है। द वेल वाज ड्रिल्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कंपेनियन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, एज कन्फर्म बाई फ्रीक्वेंट न्यूज़ दैट ही वॉज पासिंग बाई द वे ऑफ मरात इन द टाइम ऑफ द वॉर्स ऑन अपोस्टेसी। वॉर ऑफ अपोस्टेसी बेसिकली इज़ द वॉर हुरूब अल-रद्दा, जो कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, उससे लड़ने के लिए गए थे। और हुरूब अल-रद्दा के मतले हैं, मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे मार्के स्क्रैमिशेस, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसको जो है वासिले जहन्नम किया था। वाइल ही वॉज इन हिज वे टू यमामा टू फाइट अगेंस्ट अपोस्टेट्स, व्हेन ही सेटल विद हिज ग्रेट आर्मी एट द स्मॉल वाटर स्ट्रीम कुमित, विच डिड नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द आर्म्स, सो ही ऑर्डर्ड डिगिंग दिस वेल। अभी हम इसके बाद कुमित के जो स्प्रिंग आइन है, स्प्रिंग वाटर है, वहाँ भी लेके चलेंगे, वो भी अभी तक है। उससे जब उनकी आर्मी का पानी की जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुआं खुदवाया था। ये देखें, ये सामने आपको मरात लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये सिटी जो है इसके करीबी कुमित का जो है वो आइन, यानी कुमित का तालाब भी है पानी का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये दरवाज़ा है अंदर जाने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये देखिए जनाब, अब बीर अल वलीदी, जो कि यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया ने अब रेनोवेट करवा दिया है। इस कुएं से मुस्लिम आर्मी ने जो है पानी नोश फरमाया था, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। अभी भी पानी नजर आ रहा है, शायद आप लोगों को नजर आए। ये देख, साफ पानी नजर आ रहा है, पानी गंदा है लेकिन नज़र आ रहा है। यहाँ की इंतज़ामिया से मालूम करते हैं अगर पानी मिले पीने के लिए।